Hello students, how are you? Exercise number 4.1. We are looking at Sarani 12 RBC board का question है, first question. जिसके अंदर determinant दे रखी है k 2 4 minus 3 2 by 2 order की है. Question पूछ रहा है कि k के किस value के लिए ये determinant 0 हो जाए. अपन इसको क्या इसको तो 0 रख देते हैं और इसको expand कर देते हैं. अब expand करने के लिए हमेशा ध्यान रखो 2 by 2 order में ये k इस minus 3 को करेगा, यानी ये वाला element हमेशा इसको multiply करेगा, तो ये हो जाएगा minus का. ठीक है, उसके बाद minus लगाना है हमारे को और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है. 4 को 2 से करेंगे कितना आएगा 8. इज इक्वल्स टू जो भी दे रखा है, इस क्वेश्चन में 0 दे रखा था 0. अब ये 8 की वैल्यू निकाल लो, माइनस 3 के तो 8 उधर चला जाएगा. देयरफॉर k इक्वल्स टू 8 अपॉन 3 और ये माइनस. ठीक है ना. अब आप इसमें देखो एक दो सेकंड क्वेश्चन के अंदर डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 दे रखा है, x रेशियो y यानी x अनुपात y से कुछ ये आपको जरूर जरूर स्टेटमेंट की वैल्यू का सारणी को देखते हैं. ऐसे केस में आप इसको एक्सपेंड करते हैं. एक्सपेंड करने में क्या करना है, इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करके तो वो एक्स आ जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे माइनस वाला तो लगा नहीं है, फिर इसको इससे करेंगे कितना आएगा 2y और इक्वल टू 0. ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 2y. हमें क्या निकालना है, x रेशियो y, तो आप इसमें x अपॉन y इक्वल टू 2 अपॉन 4 क्रॉस मल्टीप्लाई से y को अपॉन है 4 को इधर ले जाए. अब ये 1 और ये 2 ये 4 x रेशो y इक्वल टू कितना जाएगा 1 रेशो यानी x अनुपात ले जाएगा 1 ये अनुपात 2. ये आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लग से कीजिए. शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इनका नंबर आ जाता है और आप इसको केयरफुली करें तो इसके पूरे मार्क्स मिलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में देखो दो डिटरमिनेंट दे रखी है, दो सारणी दे रखी है हमारे को 2 3 y x और इसकी वैल्यू है 4. इसके अंदर x y 4 4 इसकी वैल्यू है, से हमारे को x और y की वैल्यू निकालना है. देखो मैट्रिक्स जब होता है ना उसमें तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करने की कोशिश करते हैं. लेकिन डिटरमिनेंट में क्या होता है, 2 को सॉल्व करके इक्वल टू के रखते हैं. अब इसको एक्सपेंड कीजिए आप, इसको अगर इसको एक्सपेंड करेंगे कितना आएगा 2x माइनस तो लगा नहीं है, इसका मल्टीप्लाई 3y इक्वल टू 4 ये फर्स्ट इक्वेशन है. इसी तरह से इसको भी कर लेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे यानी पास है 2x माइनस इसको करेंगे तो आ जाएगा 4y इक्वल टू 7 सेकंड. अब आप एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, 2x माइनस 4y इक्वल टू 7 क्या करेंगे माइनस करेंगे माइनस कैंसिल आउट, ये हो जाएगा प्लस y और बाकी का माइनस. देयरफॉर y इक्वल टू कितना आ गया माइनस. अब इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, टोटल y इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन किसी भी डाल दो फर्स्ट लगा दो, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 y के लिए ब्रैकेट बना दे इक्वल टू 4 और y की जो वैल्यू करेंगे माइनस. देयरफॉर इधर क्या आ जाएगा 2x प्लस का नेगेटिव इक्वल्स टू क्या है इंपैक्ट का कंटिन्यू चल रहा है 2x इक्वल्स टू नहीं उधर चला जाएगा देखो x इक्वल्स टू माइनस का कितना जाएगा 5 और ये आप इसमें x की वैल्यू आ गई ये हमारे पास y की वैल्यू बट आराम से सॉल्व कर सकते हैं. बस को एक्सपेंड करने से थोड़ा सा माइनस प्लस भी आ जाएगा, बाकी सिंपल एक्सपेंड करना है. पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसमें क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन ऐसा मल्टीप्लाई करने से आंसर एक्सपेंड. क्वेश्चन नंबर 4 में देखो x माइनस 1 x x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0 दे रखा है और इसमें x की वैल्यू पूछी है, तो सबसे पहले इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 x माइनस 3 माइनस को लगा नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा है x और ये x माइनस 2 इक्वल टू 0. अब देखो x से x को क्या कितना आएगा x स्क्वायर, क्या फोन मारा नहीं आ रहा इसलिए इसको इससे करने कितना आएगा माइनस का 3x माइनस का x और ये प्लस का माइनस का x स्क्वायर और ये प्लस का 2x. ये
ये प्लस का x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर कैंसिल, माइनस 3x और प्लस 2x माइनस का x हो जाएगा, है ना, ये माइनस का 1x और बच गया, माइनस का 2x, वापस देखो माइनस का 4x और प्लस का 2x माइनस का 2x और कांस्टेंट में कितना बचा है, ये 3 बचा है, ये बोल दो तो अब आप ये काम करो, देखो अगर ले दो माइनस 3 therefore x equals to minus 3 upon minus 2 तो क्या आ गया x की वैल्यू 3 by 2 आराम से अच्छे से देखो ये बहुत अच्छी तरह से आप इसको सोच के और ढंग से करेंगे ये एक सिंपल एक्सरसाइज है और बहुत जल्दी इसके आंसर होगा आपको एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स आपने इसमें क्या देखा कि एक्सपेरिमेंट करते समय ये ध्यान रखना है जो प्राइम डायमेंट होता है यानी कि किस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करना है माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करके है और जीरो 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 लिख दो जो वैल्यू दूसरी देख रही उसी वैल्यू देख के सॉल्व करना होता है आसानी से आंसर अच्छी हो गया वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल थैंक यू फॉर वॉचिंग